हे परमात्मा आज नित नियम नहीं हुआ, यानी ऐसी अंदर से रोना आता है, तो परमात्मा की वो भी मालिक की भक्ति है। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि एक फार्मूला याद कर लो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सौ काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। और कुछ दिनों के बाद तो आपको आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे कागजहाज का अब कहीं सूझ जाए और निठोर। आप इतने ज्ञानवान हो जाओगे कि इस स्थान सतलोक आश्रम और कबीर भगवान और इस दास के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना नहीं पाओगा जो आपको सुख दे या मोक्ष दे। जैसे पुराने समय में ये समुद्री जहाज चले जाते थे, उनमें कौवे बैठ कर चले जाते थे क्योंकि यात्री खाना खाते थे, वो टूक डाल दिया करते थे, कौवा बैठ कर चला जाता था। पहले समय में ये दिशा सूचक यंत्र अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, फिर भी वो दिशा सूचक यंत्र जो है मैग्नेटिक रॉक से, चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और 100-200 किलोमीटर रात को जहाज निकल जाता था। आगे जाकर सुबह वो देखना चाहता था ड्राइवर जहाज का कि हम दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, तो अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने का उनका एक तरीका था कि ये ठीक दिशा दे रहा है या नहीं। जो कौवा वहाँ जहाज में बैठकर चल पड़ा था, सारी रात वो बैठा रहा, तो उस समय वो कौवे को जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मारते हैं, उसको विवश कर देते हैं वहाँ से उड़ने के लिए, तो वो उड़ कर चल पड़ता है। कौवे में एक परमात्मा की दी हुई एक ऐसी विशेष जो है बुद्धि है, ऐसा गुण है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। उसको ये डर रहता है कि कहीं कोई मुझे पत्थर वत्थर मारे, भागना पड़े तो मैं दिशा ना भूलूं वापस आ जाऊं। तो रात्रि के समय भी वो अपने अंदर कंप्यूटर की तरह उस दिशा को ध्यान रखता है। तो कौवे को जब उड़ाते हैं तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बिल्कुल स्ट्रेट चलता है जिससे जहाज चला था। तो उसमें उस जहाज के जो चालक हैं वो देख लेते थे कि तुम्हारा दिशा सूचक ठीक है या नहीं, कौवा एक्यूरेट बताता है। फिर कौवा थोड़ी बहुत देर दूर तो उड़ता है, फिर देखता कहीं बैठने का स्थान नहीं, सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, और जहाज के अतिरिक्त उसको कहीं ठोर ठिकाना नहीं जहाँ वो विश्राम कर सके। तो वह उड़ अड़ा के देख जा के उल्टा आकर जहाज पर ही विश्राम पाता है, यदि जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठे तो डूब कर मर जावे। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं स्वयं अपने ऊपर ये सब उच्चारण करके, क्योंकि अप आरती अप साजे अप किंगर अप बाजे अप ताल झांझ नकारा आप नचे आप देखनारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊं। ऐसी आरती माने ऐसी लीला कर रहा हूँ मैं, ऐसा ज्ञान सुना रहा हूँ, अपने पाने की विधि। अपने ऊपर ही उदाहरण दे देकर कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी स्थिति हो जाएगी एक दिन, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। ये डीठ भूत है परमात्मा, इनके न गढ़न लाग रहे हैं। और यहाँ हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, केवल परमात्मा की यथार्थ भक्ति बताते हैं, जिससे ये जो इस तरह के जो तीन ताप हैं आप पर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रेत कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य शरीर में थी। जो निकम्मी आत्मा है वो पिटें जा छत्तें जा कुछ दिन ऐसे ही दुख सुख पाकर जाना तो इनको पड़ेगा, और जो बुद्धिमान अच्छी आत्माएं प्रेत योनि प्राप्त हैं वो तुरंत खिसक जाते हैं कि भगवान के दरबार में गंध फैलाना ठीक नहीं। और जो निकम्मी आत्मा है उनका स्वभाव ही निकम्मा होता है, वो चाहे भूत बनो चाहे गधा बनो, उसने बकवाद करने दे मतलब उसे, वो फिर पिटका ही मान्या करें। तो परमात्मा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इवन स्मरण लाग रहे भगवान। तो ऐसे अब ये भूत क्यों बने? अब जैसा कि हम उदाहरण सुना करती है, लोक वेद सुनाते थे, मतलब श्राद्ध निकालने चाहिए गुरुजी कहते हैं,
और कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के श्राद्ध किए तो उनके सब पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए पहले वाले। अरे वो भूत तुम न बनवा दिए, भूत बने खड़े, फिर वो भूत बने खड़े होंगे कौन से स्वर्ग में दिखे हुए। और कहते उनको फिर सबको तर्पण किया सबको, फिर वो रोटियाँ खान वहाँ आए, फिर स्वर्ग में क्या मिल रहा उन्हें। ये बनावटी बातें बकवाद थी। तो पुण्यात्माओं अब इस भक्ति से ना तो भूत बने और ना पितर बने, और आपके पूर्वज भी जो कहीं यदि प्रेत योनि में होंगे तो सबका छुटकारा ऐटोमेटिकली करवा देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। परमेश्वर ने इस बिचली पीढ़ी के लिए कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास कलयुग में एक बार ऐसा समय आएगा मेरा ज्ञान पूरे विश्व में होगा, जो भक्ति करेगा वो मेरी ही करेगा, नहीं भक्ति नहीं करेगा तो नास्तिक होगा ही होगा, वो बाढ़ में जाओ उसका तो कहना है क्या। पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसी स्थिति होगी। पुण्यात्माओं आज जो आग लाग रही है, कितनी गंदी मेंटेलिटी होगी हर प्राणी की, एक माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। माया हो जाती है तो गूटी लाना, कलवा में बकवाद करना, और इस तरह सारा दिन पागल कुत्ते की तरह इस माया के लिए भटकते रहते हैं। फिर आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, आप रिश्वत नहीं ले सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप मिलावट नहीं कर सकते, आपको विष दिखाई देगा। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जैसे छोटा बालक होता है ना, और कोई किसी बोतल में कोई जहरीली पदार्थ रखा हो तो वो उसको उठाकर मुंह को लाकर पी जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो अबोध बालक सर्प को पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अबोध बालक एक बिजली के तार टूट कर नीचे गिरे हुए हों, उनमें ज्वाइंट हो, स्पार्क कर रहे हों, या उसकी हाथ की रेंज में हो और वो स्पार्क कर रहे हों, उसको आतिशबाजी जानकर वो अबोध बालक पकड़ लेता है और मौत को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा जवान हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि यह सर्प कितना भयंकर जानवर है, बिजली कितनी डेंजरस है और विष कितना खतरनाक है, तो वो उस पता लग जाना इस बोतल में विष है वो हाथ भी नहीं लगाता, औरों को भी कहता इसको छेड़ना नहीं, ये विष है। और ऐसे ही कि बिजली का तार टूटा गिरा हुआ आप भी दूर भागेगा कि इसमें करंट है, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। ठीक इसी प्रकार सर्प को देख कर भी वो दूर भाग लेता है और औरों को भी आगाह करता है कि वो सर्प जा रहा है, वो डस लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो पुण्यात्माओं जब तक ये अध्यात्म ज्ञान आपको नहीं होगा, ये सभी मानव एक बालक जैसे हैं, विष खा रहे हैं। और जब आप स्याणे हो जाओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, तो फिर कोई इस विष को नहीं खाएगा। घना तो दूर की बात है, कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। जहर का किर का यानी एक कण भी पड़ा हो और ये पता लग जाए ये जहर है, विष का किर का है, कणक है, किणका है, कहते कोई खाओगा उसको नहीं। कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ये घनी रिश्वत और चोरी तो दूर की बात है, एक नया पैसा भी। अब दास देख रहा है, एक छोटा सा बालक ने बोला जी मैंने 20 रुपये पड़े पाए, स्कूल में जाऊं था और यहाँ लेकर आया, अपनी माँ को दिया, माँ बोली बेटा पैसे हमने रखेंगे, उसको दान करते जिस भगवान के गिरे होंगे वो पुण्य में लग जाएंगे। तो ऐसा भाव बन गया बच्चों का, ना तो 20 रुपये मिलने बच्चा तो दुकान की तरफ गोली हो लिया करे और घर क्या न कौन बतावे। तो ये फर्क पड़ेगा बच्चों, और इन छोटे बच्चों का तो घना असर होगा। यदि बचपन से ही बच्चे को इस ज्ञान में रंग दिया जाएगा, बड़ा होकर वो सपने में भी गलती नहीं कर सकता, और बड़े तो और शीघ्र समझ जाएंगे। तो पुण्यात्माओं
परमात्मा ने कहा था कि एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब आप देख रहे हो, ये दास भी देख रहा है। पहले दुनिया को लूटा करते थे जो अनजानपने में, अब उन सब बुराइयों को त्याग कर अब लूट रहे हैं, दान करते हैं परमात्मा के दोनों हाथों से, यह दान करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं, देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आण, ना दिया वो मांगते फरियो, परमात्मा सुने नहीं कान। चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यो कह रे साहिब कबीर। तो पुणात्मा, धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोक, खैराए तुम्हें खैर है कि जे आत्म भोग। आप दान करोगे, परमात्मा 1000 गुणा करके आपको लौटाएगा, ये विधान है मालिक का। जैसे दान करने का क्या फल है, जैसे किसान बीज बीजता है और एक एकड़ में वो 140 किलो गेहूं बीजता है, बोता है, खूब सिंचाई करता है, रखवाली करता है, तो एक एकड़ में 50 मन, वो तो एक मन गेहूं डाले, 50 मन गेहूं वापस कर देता खेत किसान को, 60 मन। तो पुण्यात्माओं, ये वो अक्षेत्र है, उपजाऊ जमीन है, ये डहर आपको मिल गया। अब इसमें जितना बीज बोओगे 1000 गुना करके आपको वापस देगा। अब जैसे अनजान व्यक्ति तो आपको यहाँ आने में भी ये सोचते हैं कि तुम तीसरे दिन भाग जाते हो, दसवें दिन जाते हो बरवाला में, तुम जो है निर्धन हो जाओगे, कितना खर्च होता है, किराया लगता है, और कार्य भी छोड़ कर जाते हो। पुण्यात्मा वो बालक हैं, उनको पता नहीं। आप समझदार हो, आपको ज्ञान हो गया। जैसे एक किसान खेत में बीज बोया था, गेहूँ बो रहा था, एक कोई दिल्ली शहर का, बड़े शहर का, नगर का व्यक्ति किसी काम वश गाँव में जा रहा था, और किसान जो है रास्ते के साथ गेहूँ बो रहा था। उसने एक थैले में, कोथड़ी बोला कर देसी भाषा में, एक थैले में गेहूँ डाल कर काख में टांग रखे, और बैलों के पीछे हल, हल के पीछे एक पाइप सी बांध रखी जिसने ओरना कहते हैं, और गेहूं का मुट्ठा भरा थैले में थे, उस पाइप माँ के जमीन में बोता हुआ चल रहा है, बैल चल रहे हैं, वो खड़ा होकर देख रहा है, वो शहरी बाबू खड़ा खड़ा देख रहा है कि यू आदमी मेंटल है क्या, खाने की वस्तु को जमीन में डाल रहा है। तो उसने आली से पूछा भी, बैलों वाले कृपा रुकिए। आली ने सोचा कोई रास्ता पूछता होगा, शहरी आदमी दिखा है। हाँ जी बोलो, आली बोला, किसान बोला। वो शहरी बाबू बोला, भाई तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? अब उस किसान ने सोचा, भाई यू के कहन लग गया, आदमी दिखे सभ्य है, कहने लगे तू क्या कर रहा है, ये गेहूं को मिट्टी में डाल रहा है, इसको तो बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है, ठेकों में रखा जाता है, तब भी खराब हो जाते हैं, और तू इसको बर्बाद कर रहा है, देश में पहले खाद्य सामग्री की कमी है, अलग अलग से डाल। अब वो किसान भी जान गया कि तो मेंटल आ गया कोई, ये तो कति उल्लू आ गया, इसने पता है को नहीं। अब किसान ने सोचा, यो कोई बोला आदमी है, इसको पता नहीं प्रोसीजर का। अब किसान उसकी बात न क्यों कर माने, वो तो जाऊँ इंटेलिजेंट बनकर अपने ज्ञान दे रहा था, उपदेश दे था। किसान ने कहा कि बाबूजी बात सुनो, मैं ये गेहूँ बर्बाद नहीं कर रहा, आज जो गेहूँ मैं मिट्टी में डाल रहा हूँ ये मुझे आबाद करेंगे। उसके बात गले उतरा क्यों कर, क्यों उसने देखा नहीं ये प्रोसीजर? कहने लगा नहीं, मैं नहीं मानता। तो किसान ने कहा कि आप 3-4 महीने के बाद आइयो, या बैसाख के महीने में, और फिर देखना या क्या होगा। किसान ने कहा कि आज मैं एक मण कणक यहाँ इस मिट्टी में डाल रहा हूँ, और यहाँ से मैं 60-70 मण गेहूँ ले जाऊँगा, भूस रहेगा अलग से। ये बुआ उसका गला उतरे नहीं, क्योंकि प्रोसीजर से परिचित नहीं। लेकिन किसान उस बुद्ध की बात ने क्यों मान लेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, आप जी को इतना ज्ञान हो गया है, आप इस प्रोसीजर से परिचित हो गए हो, परमात्मा के इस लाभ लेने की विधि से आप परिचित हो गए हो। अब आपको कोई न्यो कहे
कि तू क्यों नाश करे है, पैसे बर्बाद करता है।